देखने। तो हे गाइस, वेलकम बैक राजपूत फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। हम तरी क्या बना रही है? तो कढ़ी बना रहे हैं। क्या कढ़ी बनाएंगे? कल बनाएंगे फिर गुरुवार के दिन। अब देखो हम कैसे बनाते हैं। इतने से है बेसन, देखो इतने से मिल गए, बस इसमें कुछ नहीं कर रही। ओ माय गॉड, एक चम्मच मम्मी ने बनाया पूरे 10 लोगों के लिए कढ़ी। मैं सोच क्या, मेरे वीडियो देख के मैं हैरान थी। तो यहाँ मम्मी ने एक पतीले में लस्सी लिया है, उसमें 1 से 2 चम्मच बेसन डाला है, फिर नमक डाल के इसको मिक्स किया है, और मैंने देखा इसको गैस पर चढ़ा दिया है। और यहाँ एक कटोरे मम्मी ने लिया है बेसन, उसमें नमक और हल्दी, थोड़ा सा मिर्च पाउडर मिक्स किया है, पानी डाल के इसको मिक्स कर रही हैं शायद। ओ, इसको तब तक मिक्स करेंगी जब तक ये बढ़िया सा मिक्स होके एक फुलौड़ी वाला पकौड़े वाला बेसन ना तैयार हो जाए। तो इसको पानी में डिप करके देखा जाता है कि ये ऊपर आ जाए, तो समझ जाइएगा ये अच्छे तरीक़े से फूल गया है, बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या करने वाली है मम्मी। देखा कि गैस पर जो, मतलब ये क्या तरीका था यार कढ़ी बनाने का, मेरे भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो क्या ये पतीले में लस्सी और बेसन, बस तड़के वड़के कुछ भी नहीं? तो चलिए आप भी देखिए, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मुझे खुद भी कुछ नहीं पता है। जैसे आप अजनबी हो वैसे मैं भी अजनबी हूँ इस वीडियो के लिए। तो देखिए इसमें उबाल आने के साथ वेट कर रही है मम्मी। तो ये मैंने सही केस किया था कि मम्मी उबाल आने का वेट कर रही है, यानी कि इसको में ना नमक गया है, नमक तो गया है ना, हल्दी गया है ना, मसाला गया है ना, तड़के गए हैं। ये कढ़ी पहली बार देखा है, बस आज तक खाते ही आई मम्मी के हाथ से कढ़ी, लेकिन आज पहली बार देख रही हूँ। अब ये क्या, दूसरी तरफ मम्मी ने क्या चढ़ाया, कढ़ाई? अच्छा कढ़ाई चढ़ा दी। अच्छा फुलौड़ी के लिए कढ़ाई चढ़ाई है। चलिए चलिए वही देख रही हूँ मैं। ओहो ये हीरो देखो, इनका हीरो गोरी कभी ख़त्म ही नहीं होता है। अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग यही कर रहे थे। ये देखिए इधर शायद उबाल आ गया है। इधर कढ़ाई में मैंने तेल डाला। अच्छा तेल डाला है इस कढ़ाई के अंदर। इसमें क्या करेंगे? ओहो जो फुलौड़ी था उसको इसमें डाल के शायद इसको पकौड़ा तैयार कर ली। अच्छा समझ आ गया इस पकौड़े को, पर उसमें यार कढ़ी ऐसे किस थोड़ी ना बनता है। बट मम्मी ने ऐसे क्यों चढ़ा दिया, शायद लग रहा है मम्मी भूल गई हो। चलिए देखते जाइए, हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए। तो ये फुलौड़ा तो आपको ही बनाने आता होगा, मुझे भी बनाने आता है ये फुलौड़ी। ये शायद दोनों तरफ से बढ़िया से पकाएंगे, उसके बाद इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। वो तो मम्मी भी निकाल रही है सेम टू सेम, ये तो सेम टू सेम मेरे जैसा कर रही हैं। चलिए साइड में रखेंगे। अरे ये तो कढ़ी के इसके अंदर डाल दिया एकदम से। क्या कर रही है मम्मी आज, कढ़ी बना रही हैं या दूध के अंदर लग रहा है पकौड़े डाल दिए हैं? ये गलती से बना दिया ऐसे। मुझे लग रहा है शायद मम्मी कढ़ी नहीं कुछ और बना रही है, बट स्टार्टिंग में वीडियो में तो मैंने देखा है कढ़ी था यार, बट खाई तो थी, अच्छा लगा मुझे। चल अच्छा इसको निकालेंगे क्या इसमें से? नहीं, साथ में इसे भी उबाल रही हैं, पर इसमें यार हल्दी कहाँ गया, तड़का कैसे कब बना? अच्छा ये क्या प्याज है इसके अंदर, मिर्च और अदरक। अच्छा इसमें टमाटर भी ऐड कर दिया। ये लग रहा दूसरा सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हैं, लगता है कढ़ी बना रही थी, कढ़ी नहीं बन पाया है शायद, कढ़ी में वो खुद ही भूल गई होंगी इसलिए लग रहा है। तो चलिए देख रही, टमाटर को फ्राई होने का वेट कर रही हैं। यहाँ तो टमाटर तो फ्राई हो गया, इसमें क्या डाली, धनिया पत्ता? ओ माई गॉड, ये धनिया पत्ता क्यों डाली? ये क्या करी पत्ता है? लगता है कढ़ी अभी बनने का। यहाँ ये क्या डाला मम्मी ने, लाल मिर्च पाउडर भर के 2 चम्मच। ओके ये भी बढ़िया है। यहाँ क्या डाल रही है? अच्छा ये हल्दी पाउडर गया इसके अंदर, ये मसाला तैयार हो रहा है। बट यार इसमें धनिया पत्ता, ये क्या? अच्छा हींग का डब्बा, इसके अंदर हींग गया। ये क्या कर दिया मम्मी ने? ओहो ये बना कढ़ी, अब इसमें आया कलर, मतलब जो मसाला बन रहा था इसके अंदर डालने के लिए बन रहा था। ओ भाई सच में कमाल का कढ़ी, मतलब पब्लिक कंफ्यूज, मेरा तो दिमाग घूम गया तब से कि बना क्या रही थी।
अब लग रहा करी। हाँ, तब से ही व्हाइट लग रहा था, पीला हो गया, सारा मसाला ऐड हो गया। मतलब पहले मम्मी ने बेसन को और लस्सी और नमक मिक्स करके इसको भरपेट उबाला है, और इसमें बेसन देखे 1 चम्मच से इन्होंने इतना करी बनाया, जैसे 10 लोग हमारी फैमिली। तो आप ऐसे ही बनाना, करी तो सब बनाते हैं, बट ऐसे बना कर देखना, खा के देखना, कोई के खिला के देखना क्या आपका रिजल्ट मिलते हैं करी के। बंद कर दिया करी के, बाजार खत्म हो गया, तैयारी मेरा करी। तो फाइनली हमने इसको सर्व कर दिया। तो ये मम्मी का हाथ का करी लग रहा बहन सुकून। देखिए